पहले हर हर शंभो, फिर हरे हरे कृष्णा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली की मुस्लिम सिंगर ने भगवान शंकर को याद किया तो सुर्खियों में आ गई। उन्हें अपने ही धर्म के लोगों के चलते विरोध सहना पड़ा। लेकिन भला कौन सा धर्म संगीत को बांट सकता है? कोई सा भी नहीं। फरमानी भी नहीं मानी उसने। विरोध करने वालों को कहा कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता। फरमानी की इस सोच के आगे किसी की भी नहीं चली, अगर चली तो उनके जोश और जज्बे की, जो उनके अगले ही गीत से जगजाहिर भी हो गया। इस बार उनके नए गीत के बोल थे हरे हरे कृष्णा। संगीत के प्रति इतनी सच्चाई हो तो भला कौन मुरीद नहीं होता। फरमानी के इसी हौसले ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का भी दिल जीत लिया, जिसके बाद फरमानी नाज को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 16 से ऑफर आ गया। फरमानी ने अभी तक इसमें शामिल होने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन इनकार भी नहीं किया है। फिलहाल वो नई दिल्ली में अपने डबिंग स्टूडियो में नए नए गानों की रिकॉर्डिंग में व्यस्त है, जो उनको YouTube पर बड़ी शोहरत दिला रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि फरमानी और उनके गायक भाई फरमान नाज मुंबई में इंडियन आइडल के मंच तक भी पहुंचे थे। फरमानी नाज के भाई ने बताया कि उन्हें गीत और संगीत विरासत में अपने पिता से मिले हैं। फरमानी तो इंडियन आइडल 12 में भी नजर आई थी, लेकिन विनर बनने से चूक गई थी। चर्चा में आया कि फरमानी इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना रही है। बाद में इन सभी अफवाहों को उनके भाई फरमान ने खारिज कर दिया। बहरहाल अगर फरमानी नाज बिग बॉस का हिस्सा बनती है तो उनके फैंस फूले नहीं समाएंगे। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। टीम खबर अपडेट।